गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 15 है और इसमें किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, भारत तथा विश्व के बारे में बात करने वाले हैं। और अगेन ये हमारी जो सोशल स्टडीज़ की भूगोल की किताब है समकालीन भारत, उसका पहला अध्याय है भारत की आकृति और स्थिति, वहाँ से लिया गया है। इसकी डेट है 8 अगस्त। तो यहाँ पर बच्चे को अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको SST सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो बच्चों आज हम देखते हैं कि जो हमारी वर्कशीट नंबर 15 है ये हमें क्या बताती है और हमें इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातें हमें समझनी हैं। क्योंकि आपको जितने भी वर्कशीट अभी तक मिली हैं और आगे मिलेंगी, आपको उन सभी को अच्छे से करना है। आपके एग्ज़ाम्स इन्हीं वर्कशीट से होने हैं अब की बार, क्योंकि हम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। और जो भी ये वर्कशीट भेजी जा रही हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, चैप्टर से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको यहाँ पर लिया गया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और स्कूल ना जाने की वजह से ही बेटा मैं आप सभी को यहाँ वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वर्कशीट है वो हम अपनी अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं इसमें मुख्य बिंदु, यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं इसमें वो कौन कौन सी हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो भारत है वो विश्व में कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप, 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो जो भारत है वो कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ये मैं आपको मैप में डिफाइन करके बता दूँगी। और यह पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। जैसे ये हमारा भारत है, ये इधर वाला भाग हो गया पूर्व और इधर वाला हो गया पश्चिम। तो इसने क्या बोला है, और जो एशिया महाद्वीप मान लो ये यहाँ पर एशिया महाद्वीप, तो यहाँ पर है भारत, ये हो गया भारत। यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, दक्षिण में है, और ये पश्चिम और पूर्व के मध्य में है। ये इधर से पश्चिम हो गया और पूर्व हो गया, इसके कहाँ पर है, बीच में है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को, अब इसमें देखना है कि जो पश्चिम के यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्र स्थिति प्राप्त है। कि जो हमारे, जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के ये लगा लो यहाँ भारत है, ये इधर यूरोप है, हमारा यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, इधर उत्तरी अमेरिका है, और इधर दक्षिणी अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ एंटार्क्टिका है। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ने के लिए जो भारत है उसने क्या किया है, ये समुद्री रास्ते हैं कि ये देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या बोलता है कि इन सभी को जो हिंद महासागर है भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कि ये क्या है, हिंद महासागर के बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में स्थित है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध ना केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। जो भारत के व्यवसाय मतलब व्यापार से रिलेटेड, क्योंकि भारत में जब पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, वो क्यों आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मसालों की खेती होती थी और बहुत जो मलमल का कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था, वो यहाँ पर होता था। तो जिसकी वजह से वो यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से हमारे पास आए थे और फिर उनके अंदर लालच आ गया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। तो व्यवसाय का मतलब होता है व्यापार की दृष्टि से, और सांस्कृतिक संबंध का होता है कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा पहनावा था, रहन सहन था, भोजन था, हमारी भाषाएं थी, वो उनको अच्छी लगी थी इसलिए उन्होंने अपनाई थी। तो यहाँ पर भारत के व्यवसायिक और सांस्कृतिक संबंध ना केवल यूरोप के साथ ही नहीं थे बल्कि पूर्वी एशिया, एशिया महाद्वीप का जो पूर्व, ये मान लो एशिया है, एशिया का जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी एशिया इधर वाला, और अफ्रीका यहाँ पर के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। जो भारत है, भारत के रिलेशन किसके साथ हैं, एशिया के पश्चिमी भाग से, पूर्वी भाग से, अफ्रीका से और यूरोप से। यहाँ जो है, यहाँ पर है अटलांटिक महासागर जो इसकी आकृति का है। पहले क्या था कि जो यूरोप था वो यहाँ से आकर और इधर जाता था, लेकिन बीच में क्या थी, एक स्वेज नहर है। स्वेज नहर जब से बनी है तो वहाँ से भारत जाने के लिए जो रास्ता है ये इसको 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई थी स्वेज नहर के बनने के कारण। यहाँ पर लाल सागर है और अरब सागर है। स्वेज नहर किन दो सागरों से गुजरती है, लाल सागर और
अरब सागर से निकलती है। ये संबंध समुद्री जल मार्गों और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ होते चले गए। जो इन देशों के साथ संबंध थे हमारे, वो जलमार्ग समुद्रों के रास्ते से आते थे, भूमार्ग भूमि के रास्ते से। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये और प्रगाढ़, मतलब जो रिश्ते थे इन देशों के साथ, वो और मजबूत होते चले गए और गहरे होते चले गए। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने इस संबंध को और भी मजबूत कर दिया। पहले हमारे पास कौन से दो मार्ग थे? जल मार्ग थे और भूमि मार्ग थे। लेकिन अब कौन सा आ गया? जो आज का टाइम है, जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, उसमें कौन सा आ गया? वायु मार्ग भी आ गया। तो इससे जो हमारे रिश्ते हैं और भी मजबूत हो गए, क्योंकि यहाँ से भारत से यूरोप जाने में, अफ्रीका जाने में और एशिया के पश्चिम पूर्वी किनारे में, पूर्वी पश्चिमी किनारे में, यहाँ पर जाने में क्या था? बहुत समय लगता था। लेकिन जब से एरोप्लेन आए हैं तो ये टाइम कम लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो इन्होंने रिश्तों को और भी मजबूत कर दिया है। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुँच सके हैं। इन मार्गों के द्वारा जो भूमि मार्ग है, जल मार्ग और वायु मार्ग हैं, इन मार्गों के द्वारा जो हमारे उपनिषदों में जो विचार लिखे गए हैं ऋषि महात्माओं ने, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं जो हमें अच्छी अच्छी सीख देती हैं, और भारतीय अंक जो हमारी डिजिट प्रणाली है और दशमलव प्रणाली है, वो सभी संसार के विभिन्न भागों में पहुँच पाए हैं। कि हमारे भारत के अंदर जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो दूसरे देशों तक कैसे पहुँच पाई हैं? इन मार्गों के द्वारा ही पहुँच पाई हैं। अब आगे है कि मलमल आदि कपड़े मसाले और व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। जैसे जो मलमल का कपड़ा था, मसाले थे और व्यापार के जो दूसरे सामान थे जिनका व्यापार किया जाता था, वो सभी भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं रास्तों के द्वारा ले जाए जाते थे। दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर भी देखा गया है। कि जो यूनान की जो स्थापत्य कला थी और पश्चिमी एशिया की, ये इधर वाला जो पश्चिमी एशिया है, ये एशिया महाद्वीप पूरा इधर वाला, तो यहाँ का जो वास्तुकला थी और वहाँ पर जो बने हुए मीनार थे, गुंबद थे, वो भारत के विभिन्न भागों में, जैसे भारत में भी वो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई देखी गई हैं। तो ये चीज़ें भारत को कहाँ से मिली? दूसरे देशों से देख के भारत ने अपने यहाँ पर जो उनसे जो अच्छी चीज़ें लगी, वो भारत ने अपने यहाँ पर भी बनाई हैं। अब देखो इस मैप को हमें देखना है अच्छे से। इसमें क्या है, दो तरह के रास्ते दिए गए हैं। जो सीधी लाइनें हैं, बिल्कुल सीधी लाइनें हैं, वो क्या है? हमारे वायु मार्ग हैं। ये यहाँ पर देखो, जो बिल्कुल सीधी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये क्या? हमारे वायु मार्ग हैं। और जो डॉटेड लाइन है ऐसे, वो क्या? हमारे समुद्री रास्ते हैं, उनके बारे में हमें बताता है। तो ये सारी क्या हैं? वायु मार्ग हैं, एयरलाइंस हैं, और ये सारे हमारे समुद्री रास्ते हैं जो डॉटेड में हैं। ये आपको अच्छे से देखने हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। विश्व में अवस्थिति का मतलब होता है लोकेशन के बारे में हमें बताना है। तो लोकेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो भारत है वो विश्व में कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे, उनमें से कुछ देशों के नाम बताने। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध रहे हैं, यूरोप के साथ हैं। अब इन देशों के नाम बताने, इन देशों में देखो यहाँ जहाँ जहाँ से ये समुद्री रास्ते जा रहे हैं, मतलब उन देशों के साथ हमारे व्यावसायिक संबंध रहे हैं। भारत का म्यांमार के साथ है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, मलेशिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, तंजानिया है, और यहाँ से ये अरब सागर है, हमारा अरब सागर से ऊपर लाल सागर है, ये यहाँ पर स्वेज नहर है, और ये मिस्र के साथ हैं, सऊदी अरब, अमन, जो भी मतलब जो इन रास्तों के आसपास जो देश लगते हैं उनके साथ हमारे संबंध रहे हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इन सब के साथ क्या हमारे अच्छे व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, विस्तार पूर्वक लिखिए। ये यहाँ पर है हिंद महासागर बच्चों। तो इसने बोला है कि जो हिंद महासागर में केंद्रीय, मतलब ये सेंटर में बना हुआ है भारत,
यहाँ पर भारत को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। अब देखो, जैसे यहाँ से कोई तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप से जब कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उसके लिए ये लंबा रास्ता हो जाएगा काफ़ी। तो वो बीच में क्या देखेगा, स्टॉपेज देखेगा जहाँ वो रुक सकता है। तो वो कहाँ रुका, मुंबई में हमारे समुद्री पतन है, श्रीलंका में है। तो मुंबई में समुद्री पतन है, वहाँ क्या होता है, विश्राम स्थल होते हैं जहाँ लोग विश्राम कर सकते हैं, एक दो दिन के लिए रुक सकते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था होती है। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर जब लोग आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें लेंगे, विश्राम रूम्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसके लिए वो उनको क्या करेंगे, पे करेंगे, मतलब पैसे देंगे, रेंट देंगे। तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है भारत को। तो इन्हीं लाभों के बारे में यहाँ पर बताना है, हमें विस्तार से एक्सप्लेन करना है। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। अब देखो, इसमें ये बोला कि आधुनिक टाइम में जो वायु मार्ग हैं उन्होंने भारत को कैसे प्रभावित किया है, क्योंकि वायु मार्गों के द्वारा जो समय है, समय के कारण बहुत जल्दी ही चीज़ों का आदान प्रदान हो जाता है, विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया, ये यहीं पर बताया गया था कि जो हमारे विश्व, ये विभिन्न हमारे उपनिषद हैं, इन्हीं मार्गों के द्वारा, उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली इत्यादि संसार के विभिन्न भागों में पहुँच पाई हैं। तो इनमें वायु मार्ग भी तो है जिनके द्वारा ये पहुँच पाई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। वही क्वेश्चन अगेन है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाना है हमें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और यहाँ पर बताना है कि मिस्र से यदि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो हमें कैसे बेनिफिट होगा। ये यहाँ पर है मिस्र, अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ से हम समुद्री रास्तों से चलेंगे, और समुद्री रास्ते से चल के हम कहाँ रुके, मुंबई में रुकेंगे, वहाँ पर नाश्ता पानी करेंगे, खाना खाएंगे, रूम्स का यूज़ करेंगे। तो भारत को क्या मिल रहा है, आर्थिक लाभ हो रहा है। फिर यहाँ से वो कहाँ जाएंगे, ये इधर जाते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे। तो ये ऐसे रास्ता बनेगा, तो भारत को लाभ हो रहा है इससे, उसी के बारे में बताना है। तो बच्चों, ये हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। आपको सारी की सारी वर्कशीट अच्छे से देखनी है, अच्छे से समझनी है, क्योंकि इन्हीं से आपकी बार एग्ज़ाम्स होने हैं। तो आप सभी इनको अच्छे से देख लें, जो समझ में नहीं आती है दूसरी बार वीडियो को देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Thank you.